सुना है कि जिनको प्रॉब्लम हुआ था, कोई इश्यूज आए थे उनका आज? हाँ जी। तो आपको क्या इश्यूज आए? मेरा EWS में नायब मतलब थोड़ा साइन का इशू था, वो रिजॉल्व कर दिया। याद भी नहीं निकाल पाते, बस सीसेट अच्छे से करना है, इतना मैं कहूँगा। अच्छा अच्छा, सीसेट में आपको भी कोई प्रॉब्लम आई? तो इस बार जो है प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? 50-60 प्लस। कितने साल की अपने PYQ देखे थे? लाइक 20-25 ईयर्स। ओके सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम हर्ष जैन है और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। मैंने बीए किया है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से और इन्फोसिस में 1.5 साल काम करने के बाद अब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये UPSC में आपका कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और पहला मेन्स और पहला इंटरव्यू था। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए? ठीक था, डाइवर्स क्वेश्चंस थे, हर सेक्शन से क्वेश्चन थे, माय ऑप्शनल से भी क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन थे और मेरी पर्सनल हॉबीज से भी क्वेश्चन थे, पैशन के बारे में पूछा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, तो इंटरव्यू से पहले थोड़ी नर्वसनेस हुई थी आपको? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था बिकॉज पहला इंटरव्यू था, बट अब ओके। तो मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे? हाँ, मैंने जल्दी जल्दी दिए थे एक्चुअली, मुझे रिसेंट ईमेल आया था तो 5-6 मॉक दे पाया था, मैं ज़्यादा नहीं दे पाया। अच्छा, जैसे कि एक स्पेशल क्वेश्चन होगा, जैसे आज आपका इंटरव्यू हो तो इससे पहले मतलब सुना है कि जिनको प्रॉब्लम हुआ था, कोई इश्यूज आए थे उनका आज? हाँ जी, है ना। तो आपको क्या इश्यूज आए? मेरा EWS में नायब मतलब थोड़ा साइन का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया था। वो सॉल्व हो चुका है? कब हुआ था ये? कब सॉल्व हुआ मतलब? मतलब कब ये इशू आए थे, मतलब इसी बीच में या नवंबर में? अच्छा अच्छा, तो अभी कैसे सवाल आपसे पूछे, करंट इश्यूज पे कोई बात हुई है इलेक्शन के बारे में या फिर केवल चाइना इंडिया का पूछा और इंडिया पाकिस्तान का? हाँ, बात करें अगर तैयारी की तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, जो प्रीलिम्स कैसे आपने निकाला था? 2023 वाला तो वैसे भी बहुत टफ था। बस मैंने टेस्ट ही दिए थे। हाँ, टफ तो था, मेरे भी इतने खास मार्क्स नहीं थे, 80-85 अराउंड मार्क्स थे, बट मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया था। अच्छा अच्छा, फॉरेस्ट का IFS में भी हो चुका। हाँ हाँ, तो इस बार जो है प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? 50-60 प्लस। उत्तर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, UPSC CSE क्रैक करके IAS IPS बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति IAS और IPS बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए। और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हुआ हैं या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है। और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कॉन्टेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देख कर मजा आ जाएगा। और कितने साल की अपने PYQs देखे थे? लाइक 20-25 ईयर्स। अच्छा, किससे ज़्यादा आपको हेल्प मिला, मॉक टेस्ट से या फिर POS करने से? दोनों। लाइक PYQ से आपको पता चलता है थिंकिंग ऑफ UPSC एंड मॉक से आपको पता चलता है कि अभी करेंट में क्या चल रहा है। यस। अच्छा, PYQs कैसे एनालिसिस करते हैं प्रीलिम्स के लिए? क्या PYQs जो होते हैं, जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है ना, तो उसको आप पहले आप देखो कि क्वेश्चन किस सेक्शन का है, हिस्ट्री का है, क्या है, फिर आप उसको ये देख सकते हो करंट में कोई रिलेवेंट है या नहीं है इस काइंड से। आप ऐसे करके आप धीरे धीरे उसको उसकी लैंग्वेज को और उसके ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं वो लोग, क्लोज ऑप्शन है, डाइवर्स ऑप्शन है, तो उसमें गैस वर्क ज़्यादा चलता है UPSC में। आप जितना बॉन्क दोगे उतना आप। ओके, क्या आप ये बताएंगे कि प्रीलिम्स से पहले वाले कितने महीने पहले से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए? 2-2.5 महीने पहले। 2-2.5 महीने पहले से? ओके, फिर आपने मतलब कैसे शुरुआत करी और रिवीजन कैसे किया? नोट्स बना लिए थे मैंने एंड न्यूज़पेपर के भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते था, रिवाइज करता था, बार बार मॉक देता था, मॉक से भी नोट्स बनाता था। ओके, अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे आपने? वन पॉइंटर, लाइक एक टॉपिक लो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, काइंड ऑफ थिंग एंड यू कैन। अच्छा, कुछ टॉपर तो ये बोलते कि प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट्स नोट्स की जरूरत ही नहीं है, उनका अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है वो भी। अच्छा, शॉर्ट्स नोट्स बनाते टाइम क्या क्या मतलब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? बहुत क्रिस्प होना चाहिए, आप अपनी आपकी लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए, आप इजीली पढ़ सको उसको बाद में रिवाइज करते टाइम, और रिकॉल आ जाए देखते कि हाँ ऐसा ऐसा ये वो, और एग्जाम टाइम में भी सेम चीज़ याद आ जाए। जिन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूज है मतलब वही टॉपिक उसमें ऐड करना। हाँ, अच्छा, अभी ये बताइए जो भी एक्सपीरियंस तैयारी कर रहा है अभी, है ना, 2024 के लिए प्रीलिम्स में बैठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मॉक टेस्ट दे, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक? ये उन पर डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी पे, कुछ लोग 10 मॉक दे के भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग 50 के बाद भी नहीं निकाल पाते, बस सीसेट अच्छे से करना है, इतना मैं कहूँगा। अच्छा अच्छा, सीसेट में आपको भी कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ, थोड़ा मतलब मुझे वहाँ जाके लगा था कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं,
क्योंकि सीसेट लास्ट टाइम का लेंदी था और वो इजी नहीं करेंगे यूपीएससी। जैसे ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था तो पिछले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें प्रीलिम्स में ही रुक रहे थे। हाँ प्रीलिम्स ही रुक रहा था सीसेट में। प्रीलिम्स सीसेट में इस बार आपने क्या किया था? प्रीलिम्स ही रुक रहा था, सीसेट इशू नहीं था मुझे, सीसेट नहीं रुक रहा था। अच्छा चलिए, ऑल द बेस्ट, उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।